Today in this video we will discuss about the Hidden Goodwill, our chapter 4, class 12, admission of a partner, subject accountancy. इसमें क्वेश्चन है हमारा हिडन गुडविल पर कि ए एंड बी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2 देयर प्रॉफिट देयर बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2017 वाज क्रेडिटर्स थे 30,000 के जर्नलिज 20,000 प्रॉफिट एंड लॉस 50,000 इस कैपिटल है दोनों की ए की 80,000 और बी की 60,000 ठीक है टोटल 140,000 गुडविल है इसकी 10,000 कैश एट बैंक है 80,000 डेटर्स है 90,000 के एंड मशीनरी है 60,000 की कह रहा है आगे कह रहा है कि दे एडमिटेड सी एज ए पार्टनर्स फॉर 1/5 ईयर्स इन द प्रॉफिट सी ब्रिंग्स रुपीज 70,000 एज इज कैपिटल एंड सी अनेबल्स टू ब्रिंग इन एनी कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल ठीक है सो द पार्टनर डिसाइड टू कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सीज एट शेयर्स इन द प्रॉफिट एंड प्रॉफिट्स एंड कैपिटल कंट्रीब्यूटेड मेड बाई देम बाई हिम टू द फर्म गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड एडजस्टमेंट ऑफ द गुडविल ठीक है तो कहने का भी यहाँ पर क्या है कि जो हमारा नया पार्टनर एडमिट हो रहा है वो किस रेशियो के लिए हो रहा है 1/5 ईयर्स के लिए एडमिट हो रहा है ठीक है उसके एडमिशन के टाइम पर वो जो कैपिटल ला रहा है सी ब्रिंग्स रुपीज 70,000 एज कैपिटल ठीक है तो पहली एंट्री हमारी क्या बन जाएगी जो सी कैपिटल लेकर के आ रहा है फर्स्ट एंट्री हमारी बनेगी डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट डायरेक्शन आ जाएगी अमाउंट ब्रॉट ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन बाय सी 70,000 एंड 70,000 ठीक है आगे इसमें कह रहा था कि जिसके बाद में वो अपनी गुडविल लाने के लिए अनेबल है गुडविल नहीं लाएगा नहीं ला नहीं पा रहा है तो उसके लिए क्या कर रहा है सो द पार्टनर डिसाइड टू कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्स इन द प्रॉफिट एंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन मेड बाय हिम ठीक है तो जो उसने कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया है old ratio of कौन है ए और बी ए का कितना है 3 और बी का है 2 इक्वल टू 3+2 इक्वल टू 5 तो 3/5 और 2/5 ये तो ए और बी का ओल्ड रेशियो है अब एक और पॉइंट बनता है कि अगर इफ द सैक्रिफाइस रेशियो इज नॉट गिवन ओल्ड रेशियो जो कि हमारा है 3:2 ठीक है आगे कह रहा है कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल
रिटर्न गुडविल की कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, सी ब्रिंग्स रुपीज 70,000 एज टर्न और 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट में 1/5 शेयर्स के लिए वो कैपिटल लेकर आ रहा है 75,000। ठीक है, अब जो इसका अब उसमें कह रहा है कि क्वेश्चन में बोला था सो दे द पार्टनर्स डिसाइड दैट द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्स ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन मेड बाय हिम। अब जिससे कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या किया था रुपीज 70,000 और उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट था 1/5, तो हम इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे 5/1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका टोटल यहाँ पर हमारा 350,000। ठीक है, 350,000। अब जो 350,000 है टोटल, अब हम क्या करेंगे इसका फाइंड आउट करेंगे इसका टोटल कैपिटल बेसिस पर कितना अमाउंट बना हमारा इसका पार्टनर का 370,000। एजिस्टिंग कैपिटल है हमारी वो कितनी बन रही है ऑफ ए बी एंड सी, ए बी और सी के एडजस्टिंग कैपिटल कितनी बनेगी। अब देखो इसको लिए हम छोटा सा फॉर्मेट बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल का। ठीक है, गुडविल जो थी इनकी ओल्ड गुडविल कितनी थी, गुडविल ए और बी, ए की गुडविल बी, ए और बी गुडविल कितनी थी, ए की जो टोटल गुडविल थी 6,000 थी, तो इनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 6,000 आ जाएगी और टोटल गुडविल 10,000 थी, ओल्ड रेशियो में एडजस्ट करेंगे तो 6,000 और 4,000 आ जाएगी। उसके बाद में कंट्रीब्यूशन है बैलेंस बीडी हो जाएगा। एक ने लगाया था 80,000 और दूसरे ने लगाया था 60,000, ये दोनों की 60,000, ये दोनों की कैपिटल कंट्रीब्यूशन थी। ठीक है, उसके बाद में इनका वो 20,000 था वो भी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जनरल रिजर्व कितना 20,000, तो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो एक का आ जाएगा 6:3:5 के हिसाब से 12,000 और दूसरे का आ जाएगा 8,000। इनका प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है तो वो भी प्रॉफिट एंड लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड वाला, ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसका आ जाएगा 30,000, इसका आ जाएगा 20,000। ठीक है, इन सबको कैश कर लेंगे और कोई पॉइंट बचा नहीं जो एडजस्टमेंट होगी, तो ये आ जाएगा इसका 12,8,9,10,11 122,000 इसका टोटल हो गया और इसका आ जाएगा 8,000। ठीक है, ये इसका टोटल हो जाएगा। यहाँ पर भी टोटल हम मेंशन करेंगे। अब देखो 122,000 में से ये माइनस करेंगे 6,000 रुपये, तो यहाँ पर टू बैलेंस 116,000। ठीक है, और 88,000 में से 4,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 84,000। टोटल 122,000 और 88,000। ठीक है, अब देखो इसको कैसे यहाँ पर हम मैनेज करेंगे। इसका जो बैलेंस बच रहा है आफ्टर एडजस्टमेंट 116,000 प्लस 84,000 प्लस जो नया पार्टनर आया था 70,000, इन सबको प्लस करेंगे
तो ये अमाउंट हमारा बनेगा तीनों को प्लस करके 7, 8, 15, 15, 10, 25, 70,000 ये इसका टोटल आ जाएगा। अब 350,000 में से 270,000 माइनस करेंगे तो रिमेन कितना बचेगा हमारा 80,000। ठीक है, अब जो 80,000 हमारा रिमेन बचा है इसकी टोटल गुडविल बचकर आ गई है। ठीक है, अब सीज शेयर इन गुडविल, गुडविल थी हमारी कितने की 80,000 इंटू 1/5, ये हो जाएगा 5×5, 5×6×30, 9600 और बी का जो शेयर बनेगा16,000 × 2/5, 6,400 गुडविल है वो भी यहाँ पर मैनेज हो जाएगी। पहले काउंट डेबिट 20, कैपिटल अकाउंट डेबिट 2, गुडविल अकाउंट। अब ये जो गुडविल है वो एडजस्ट हो जाएगी। एग्जिस्टिंग गुडविल एग्जिस्टिंग गुडविल रिटन ऑफ अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो, तो इनका ओल्ड रेशियो कितना था 3/5, तो हमारा जो गुडविल थी टोटल 10,000, अगर 10,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3/5, 2/5 में तो आ जाएगा एक का 6,000 दूसरे का 4,000। ठीक है, टोटल मिला के 10,000। नेक्स्ट आता है हमारा जो न्यू गुडविल कैलकुलेट की है वो किस तरह से पोस्ट होगी, थर्ड पॉइंट वो हमारी आई थी 16,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइंग रेशियो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू दिस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, वेरिएशन आ जाएगी गिवन टू गुडविल टू ए एंड बी इन देयर ऑफ 3:2। ठीक है, अब इसमें जो हमारी कैलकुलेशन आई है वो कितनी आई है, टोटल शेयर सी का शेयर इन गुडविल कितना आया 16,000, ए के हिस्से में कितना एडजस्ट हो रहा है 9,600 और बी के हिस्से में जो एडजस्टमेंट हो रहा है वो कितना हो रहा है 6,400। ठीक है, ये आ जाएगी। तो इस तरह से हमारी जो एंट्रियाँ हैं वो पोस्ट हो जाएंगी। कहने का मीन्स हमारा क्या है कि जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो जो भी उसकी गुडविल वगैरह है जो भी चीज़ें हैं, तो अगर ओल्ड कोई भी चीज़ पड़ी है तो वो पहले मैनेज हो जाएगी। जैसे यहाँ पर उसका था क्या नाम है, जो ओल्ड गुडविल थी वो यहाँ पर हमने मेंशन कर दी, क्योंकि हम यहाँ पर अभी पार्टिकुलर केवल गुडविल के बारे में बात कर रहे हैं और गुडविल से रिलेटेड ही एंट्रियाँ पास कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर केवल जो गुडविल की एंट्रीज थी वो ही मैंशन की है और जर्नलिज्म वगैरह है वो कोई भी चीज़ टच नहीं की है।
अदरवाइज अगर सारी एंट्रियाँ पास कराते तो हमारे जनरल रिजर्व वगैरह भी इसमें आता। तो हमने जो ए की एग्जिस्टिंग गुडविल थी ए और बी की, वो उनकी रिटर्न ऑफ कर दी, दोनों को मैनेज कर दिया। जो सी आया था नया पार्टनर अपनी कैपिटल लेकर के 70,000, वो हमने यहाँ पर मैंशन कर दिया, ठीक है। इसके बाद में जब जो नया पार्टनर हमारा एडमिट हो रहा है उसमें, उस टाइम में वो अपने हिस्से की गुडविल लेकर के नहीं आ रहा, और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो गुडविल वैल्यूड की जाएगी नए पार्टनर की कैपिटल पर और उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेसिस पे कैलकुलेट की जाएगी। तो उसका जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन था वो 70,000 का था, उसका हमने उसके रेशियो के अकॉर्डिंग रेसिप्रोकल कर लिया, तो वो आ गया हमारा 3,50,000। टोटल हमारी जो उसकी गुडविल थी ए और बी की, वो ऑन द बेसिस ऑफ एडजस्टमेंट एग्जिस्टिंग गुडविल, तो हमने उसकी जो कैपिटल निकाली उसके सारा एडजस्टमेंट करने के बाद ये उसकी कैपिटल फाइंड आउट होकर के ये नए पार्टनर की कैपिटल थी, ये टोटल हमारी अमाउंट हो गई। तो इसमें से हमने इस टोटल में से इसको माइनस कर दिया, एग्जैक्टली अमाउंट जो बचा हमारा डिफरेंस बचा वो 80,000 का बचा, जो 80,000 का डिफरेंस बचा बट बैलेंस बचा उसको हमने 1/5 निकाल लिया, तो 16,000 उसकी सी के शेयर ऑफ गुडविल निकल कर आ गया। ये टोटल गुडविल ऑफ द फर्म है 80,000 की, बाकी 16,000 सी का शेयर ऑफ गुडविल आ गया, उसको हमने एडजस्ट कर दिया इन देयर सैक्रिफाइंग रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पर इस तरह से मेंशन कर दिया, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट, ये उसका ओवरऑल एडजस्टमेंट पॉइंट आ गया।